अनफॉर्चुनेटली नहीं, ऑल लेटर देना पड़ेगा पिज्जा एंड दिस ग्रीन कलर। एवरीवन, कैसे आप लोग सब? आशा करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं इधर। तो हम लोग जब इधर अमेरिका आते हैं ना, तो हम लोग अपने घर परिवार सबको छोड़ कर आते हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम लोग मिस करते हैं हमारे पेरेंट्स को। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ आए, आकर रहे। तो आज का मेरा जो ये वाला ब्लॉग है, आज इसी के बारे में है कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे इंडिया से या अपने होम कंट्री से इधर US में लाओगे। फॉर स्टार्टिंग द वीडियो, क्विक इंट्रो ऑफ माई सेल्फ। मैं हूँ सचेता। मैं रहती हूँ पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर में विथ माई हस्बैंड एंड माई टू किड्स। हम लोग इंडिया से हैं, हम लोग इधर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से हैं। और मैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से ना आप लोगों को USA का वीज़ा रिलेटेड थिंग्स, एडुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, इधर का लाइफस्टाइल, बहुत सारे चीज़ें के बारे में बताना चाहती हूँ। इसीलिए मैं ब्लॉग्स बनाती रहती हूँ। और वन मोर थिंग, आई एम नॉट ए इमिग्रेशन लॉयर और मेरा कोई एक्सपर्टाइज भी नहीं है ये सारे फील्ड में। जस्ट बिकॉज मुझे पढ़ना, रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जो सब वीडियोस बनाती हूँ बेस्ड ऑन माय नॉलेज, बेस्ड ऑन सम रिसर्च। और हर एक वीडियो में मैं देखना कुछ ना कुछ लिंक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सो दैट आप लोगों को भी पता चले कि जो वाला वीडियो या ब्लॉग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो ऑथेंटिक है। आप लोग खुद से भी उसको चेक कर पाओ। तो चलिए ये वाले वीडियो को शुरू करते हैं। वन मोर रिक्वेस्ट, जो लोग नए हो मेरे चैनल में, इफ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और अगर मेरा वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करना एंड प्लीज़ कमेंट भी करना, उससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो देखिए, हम लोग जब अमेरिका आते हैं ना, एक नए देश में आते हैं ना, तो वंस वी सेटल डाउन, हम लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स भी आए, आकर देखे हम लोग कैसे हैं इधर। तो आप कैसे लाओगे अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता को इधर? इट डिपेंड्स कि आप कैसे आए हो इधर। यू आर ऑन द F1 वीज़ा, मतलब स्टूडेंट वीज़ा में, और आप वर्क वीज़ा में आए हो H1B वीज़ा में, और आप L1 वीज़ा में आए हो, और आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो, और आप सिटीज़न हो। तो किस इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे लाओगे इधर। तो चलिए पहले बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। स्टूडेंट वीज़ा मतलब F1 वीज़ा। F1 वीज़ा में हमारे देश से लाखों बच्चे साल में इधर आते हैं MS करने के लिए, बैचलर्स करने के लिए, PhD करने के लिए। यस, आप अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हो, बट उसके लिए आपको चाहिए विजिटर वीज़ा, दैट इज़ B1 एंड B2 वीज़ा। ये जो B1 B2 वीज़ा है ना, इसको हम लोग विजिटर वीज़ा भी बोलते हैं, टूरिस्ट वीज़ा भी बोलते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कैसे आपको B1 B2 का अप्लाई करना है। आप खुद से ही अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई एजेंट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं वो वाला वीडियो का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो। तो आप जब अपने पेरेंट्स को इधर बुलाना चाहोगे विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा में, तभी आपको आपके पेरेंट्स के लिए एक स्पॉन्सरशिप लेटर देना पड़ेगा कि आप अपने पेरेंट्स को इधर बुलाना चाहते हो। इसके बाद आपको एक और लेटर देना पड़ेगा कि आप जो जिन लोगों को बुला रहे हो, मतलब वो रिलेशनशिप दिखाने के लिए कि वो आप जिन लोगों को बुला रहे हो वो आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, उसके लिए आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ेगा। इस तरह से आप F1 वीज़ा में भी रहकर भी B1 B2 वीज़ा में, टूरिस्ट वीज़ा में अपने पेरेंट्स को इधर बुला सकते हो। और टूरिस्ट वीज़ा में जब ये लोग इधर आएंगे तो मिनिमम वो लोग 6 महीने तक आपके साथ रह सकते हैं। एंड अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी कुछ आए तो आप B1 B2 को थोड़े टाइम के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो, उसके लिए भी अलग से प्रोसीजियर है। वो भी अगर आप वो लिंक में चेक करोगे तो आपको सब डिटेल्स में मिल जाएगा। सेम चीज़ अप्लाई होता है फॉर वर्क वीज़ा ऑल्सो। अगर आप H1 में आए हो या L1 में आए हो या कोई और भी वीज़ा में आए हो, अगर आपको अपने पेरेंट्स को इधर बुलाना है तो आपको उनके लिए टूरिस्ट वीजा का अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। इट डिपेंड्स, कहीं कहीं जगह पर दे विल आस्क, कहीं कहीं पर मे बी दे विल नॉट आस्क, इट डिपेंड्स। हाँ, एंड देन आपको बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी इज अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो। अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो
तो भी आपको आपके पेरेंट्स को अगर इधर बुलाना है ना, तो भी आपको उनके लिए टूरिस्ट वीज़ा का ही अप्लाई करना होगा। और जैसे पहले वाले वीज़ा कैटेगरीज में आपने डॉक्यूमेंटेशन किया, अपना बर्थ सर्टिफिकेट शो किया, सेम वे में उन लोगों के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इधर वन मोर क्वेश्चन आता है कि अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो, आप क्या आपके पेरेंट्स के लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हो? अनफॉर्चुनेटली नहीं। अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो, आप आपके पेरेंट्स के लिए ग्रीन कार्ड का अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये जो मैंने तीन कैटेगरी आप लोगों को बताया है ना, F1, H1B और L1 वर्क वीज़ा एंड दिस ग्रीन कार्ड होल्डर, इन तीनों कैटेगरी में आप अपने पेरेंट्स को इधर बुला सकते हो, बट नॉट फॉर परमानेंटली। वो आएंगे आकर मैक्स टू मैक्स 6 मंथ रह सकते हैं। क्या होता है ना, आप चाहकर भी अपने पेरेंट्स को नहीं रख सकते। अगर उन लोगों को भी रहने का मन भी हो, फिर भी आप मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद आप नहीं रख सकते, उन लोगों को वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा में 6 मंथ्स के ऊपर रहना अलाउड ही नहीं है। कभी क्या होता है ना, अभी जैसे कि हमारे सबके पेरेंट्स देश में है, अभी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ना, लाइक वो लोग भी एज हो रहा है, हमारा भी एक चिंता लगा ही रहता है कि कैसे है क्या नहीं है करके। इवन हमारे भी जब इधर बच्चे बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स लोग भी चाहते हैं ना कि सब मिलकर रहे, इवन हम लोग भी चाहते हैं ना कि सब एक साथ मिलकर रहे। तो बच्चों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, पेरेंट्स लोगों के लिए भी अच्छा है। बट ये तीन कैटेगरी में, F1, H1B, L1 एंड GC में, हम हमारे पेरेंट्स को इधर परमानेंटली नहीं ला सकते, उनको इधर टेम्पररी रहना पड़ेगा। तो अभी मैं एक और चीज़ बताती हूँ आप लोगों को, पूरा एकदम गेम चेंज होने वाला चीज़ है ये। अगर आप सिटीजन हो या आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किए हो, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए ग्रीन कार्ड का अप्लाई कर सकते हो। तो वो लोग जितना मर्जी टाइम, वंस देयर ग्रीन कार्ड अप्रूवल कम्स, अब वो लोग जितना मर्जी टाइम इधर रह सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, आप अगर सिटीजन हो या सिटीजनशिप पाने के बाद अपने पेरेंट्स के लिए ग्रीन कार्ड का अप्लाई करते हो ना, तो इसमें कोई भी लंबा लाइन नहीं रहता है। विद इन फ्यू मंथ्स ये इन लोगों को ग्रीन कार्ड मिल जाता है। इसमें कोई भी लाइक सालों वेट करना है, इस टाइप का कोई भी चीज़ नहीं रहता है। मैक्स टू मैक्स फ्यू मंथ यू हैव टू वेट, बट इन लोगों को मिल जाता है ग्रीन कार्ड। और पेरेंट्स को ना जिसी मिलने का एक और फायदा है कि वो जितना मर्जी वो लोग इंडिया जाए आए, उसमें वीज़ा स्टम्पिंग का कोई इशू नहीं है, कोई झंझट नहीं है, आराम से वो आ जा सकते, जितना मर्जी टाइम वो इधर रह सकते हैं। फिर अगर शायद उन लोगों को कुछ महीने के लिए इंडिया जाना है, अपने घर जाना है, देखना है, तो जाकर फिर से वो लोग आ सकते हैं, कोई भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हाँ, अगर इन लोगों को जीसी मिलता है ना पेरेंट्स लोगों को, तो पेरेंट्स इधर आकर काम भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पेरेंट्स है ना जो कि मतलब घर पे वर्किंग है, या लाइक आफ्टर रिटायरमेंट भी वो लोग किसी ना किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। वाई? बिकॉज जस्ट मतलब उन लोगों को एंगेज रहना है। जैसे कि ऐसा होता है ना कि लाइक बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, इधर आने के बाद क्या होगा, कुछ तो काम नहीं कर सकते, क्या करेंगे, घर पे पूरा दिन बैठा रहना पड़ेगा। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग आने को नहीं चाहते हैं, वो लोग सोचते हैं नहीं क्या होगा करके, या आने के बाद भी बोलते हैं नहीं चले जाते हैं करके। लेकिन वंस दे विल गेट द जीसी, वो लोग अपने मर्जी से काम भी कर सकते हैं, और इधर ना काम के लिए कोई एज बार नहीं है, आप जब भी चाहो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को जीसी मिलने से ना, मान लो कि एक तरह का उन लोग को फ्रीडम मिलता है, वो अपने मर्जी से काम भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो अपनी मर्जी से काम करके अपने आप को एंगेज भी रख सकते, जितनी मर्जी बार चाहे वो इंडिया जा सकते हैं, आ सकते, वीज़ा स्टंपिंग की एक्स्ट्रा कोई इश्यू नहीं रहता है। तो एक और चीज़ ना, मैंने इतने सालों में जो चीज़ मैंने फाइनली रियलाइज़ किया है कि इधर जिन लोगों ने सिटीजनशिप लिया है और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है, जस्ट बिकॉज कि वो लोग चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को इधर लाकर अपने पास रख सके, हाँ, क्योंकि उनके पास शायद वो स्कोप नहीं है कि वो जा सके, या ऐसा कुछ हो सकता है, वो तो हमें पता नहीं ना। बट यस, अगर हम लोग हमारे पेरेंट्स को ला सके, हमारे सामने हमारे पेरेंट्स रहे, तो ये एक लाइक इस सॉर्ट ऑफ ए मेंटल सेटिस्फेक्शन भी रहता है ना कि नहीं, हमारे सामने तो है, हमारे पेरेंट्स
राजी खुशी हम लोग देख पा रहे हैं उन लोग को, वो लोग भी हमारे बच्चों के साथ, हमारे फैमिली के साथ, हम सब मिलकर आराम से टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम लोग इतने दूर है ना हमारे पेरेंट्स से, तो वो सारी चीज़ें ना हम लोग बहुत मिस करते हैं, वो चीज़ें बहुत खौलता है। कि बच्चे भी जब बोलते हैं कि दादू के घर जाना है, ये घर जाना है, दादू को बुलाओ, तो वो चीज़ हमें भी लगता है वो चीज़ कि नहीं ऐसा होना चाहिए। कि हमारा देश का कल्चर ही ऐसा है ना कि हम सब मिलकर एक साथ रहना पसंद करते हैं घर पे, तो अगर पेरेंट्स लोग आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है ना, ये हम सबके लिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।